अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जिस जगह पे हमने कैंपिंग की है और इसके अलावा इसके आसपास जो व्यूज़ थे दरिया के या जंगल के, वो मैंने आपको दिखाए थे। अभी मेरा प्लान है कि थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे एक जगह है काला चश्मा, वो पॉइंट देखते हैं। वहाँ पर होटल्स वगैरह भी हैं और एक आबशार है। यहाँ पर आबशार में बता रहे थे पानी तो कम है, लेकिन देख लेते हैं उसको भी। आबशार देखने के बाद वापस हम जाएँगे थल बाज़ार, थल बाज़ार से हम जहाज़ बांडा की तरफ जाएँगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का आगे है काला चश्मा, उसका रूट कैसा है और फिर जहाज़ बांडा का ट्रैक कैसा है। चलें जी, हमारी पैकिंग शैकिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम निकलने लगे हैं काला चश्मा की तरफ और उसके बाद सीधा जहाज़ बांडा। वहाँ पे फिर हम देखेंगे कहाँ पे हमने बाइक खड़ी करनी है और जो हमारा सारा सामान है कैंपिंग वगैरह का, वो लेके हम आगे चले जाएंगे। अच्छा, इधर आबशार है एक, वो सामने उसका रास्ता देखते हैं अभी। वो सामने आबशार है। प्लान हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, अब हम आगे काला चश्मा नहीं जा रहे बल्कि वापस जा रहे हैं थल बाज़ार की तरफ। और हमारा प्लान ये है कि हम टाइम से जहाज़ बांडा पहुंच जाएं, क्योंकि वो तकरीबन 3 घंटे की हाइक भी है और जो उसका रास्ता जाता है थल बाज़ार से, वो ऑफ रोड है। तो बजाय इसके कि हम आगे काला चश्मा जाएँ, व्यू तकरीबन सेम ही है, ऐसे ही दरिया के साथ साथ हम जाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करोगे, मारोगे तो नहीं। अच्छा जी, हमने अभी यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं बाज़ार से और यहीं पे खाना वगैरह भी खा लिया। थोड़ा सा लेट हो गया अपने टाइम के हिसाब से। अब हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा की तरफ। वो सामने पार्किंग है जहाज़ बांडा की, जहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ पे पार्क करके फिर हाइकिंग शुरू है। अभी लग जाएंगे 10-15 मिनट लग जाएंगे उधर पहुँचने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है।
अच्छा जी, हम लोग पार्किंग में पहुंच गए और अब हम हाइकिंग स्टार्ट करके ऊपर जा रहे हैं। तो अभी से सांस चढ़ गया, अभी देखते हैं आगे और कितनी टफ चढ़ाई है। आधा घंटा ट्रैकिंग के बाद अभी हमने ब्रेक लिए। वैसे तो हम दो तीन ब्रेक्स ले चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। और कितने 2.5 घंटे की और ट्रैकिंग है और टाइम हो गया है 5, तो 7 तक ही पहुंचेंगे। हम जब रेस्ट कर रहे थे तो हमें एक पोर्टर मिल गया, उसने हमारा मेन मेन सामान उठा लिया और वो कह रहा है कि मैं जहाज़बाड़ा तक ले जाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है ले जाओ, और अब हम आराम सुकून से जा रहे हैं। अभी भी टिकी टॉप नहीं आया हमारा। टिकी टॉप पे पहुंचेंगे शायद मगरिब उधर ही हो जाए, और फिर रात तो हमारे रास्ते में ही हो जाएगी। ओह बहुत सख्त चढ़ाई है। जहाज़बाड़ा की हाइकिंग शुरू में बहुत ही सख्त थी, इतनी कि टिकी टॉप तक पहुंचते ही हमारे पोर्टर ने भी हार मान ली थी। वहां से हमने खच्चर वाले को पकड़ा और रात की तारीकी में घने जंगल और वाटर क्रॉसिंग्स में से होते हुए बिलाखिर जहाज़बाड़ा पहुंच गए। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि खाना खाते ही कब सो गए पता ही नहीं चला, लेकिन सुबह जब जागे तो नज़ारे कुछ ऐसे थे। हाँ जी, नाश्ता भी हो गया है, पैकिंग भी हो गया है, सामान इधर ही रूम में रखवा देंगे और कुछ ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें लेके हम कटोरा लेके चले जाएंगे। वापस आके फिर यहाँ से इनसे सामान उठा लेंगे, वापसी भी देखेंगे अगर टाइम मैनेज हो सका तो कुंडबांडा करके या तो हम सीधे पार्किंग में चले जाएंगे या फिर इधर नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे हम जाएंगे। तो देखते हैं वो क्या हिसाब किताब है। अभी बस स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करते हुए 1 घंटा हो गया, 9 बजे चले थे, अब 10 बज गए। और ये एक प्लेन रास्ता आया है, इसके बाद वो जो पहाड़ है जो पत्थर हैं वो क्रॉस करने हैं और राइट टर्न लेना है। इस पहाड़ के पीछे जो है ना वो लेक है। ये है जी मिनी कटोरा लेक। वाह ज़बरदस्त, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है इसका, तो ब्लू और जहाँ जहाँ पत्थर हैं वहाँ से ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अभी ये मिनी कटोरा से थोड़े आगे आए तो ये यहाँ पे एक वाटरफॉल है और इसका पानी जा रहा है।
यहाँ पे मिनी कटोरा लेक में, और इसका पानी अभी कम है लेकिन सीज़न जब होता है तब इसका पानी ज़्यादा होता है वाटरफॉल का। ये जी आखिरी पैच इसका, यहाँ से होता हुआ वहाँ से ऊपर, लेकिन काफ़ी टफ ट्रैक है ये, सारे पत्थर है। ये चट्टान वाली बहुत ही सख्त चढ़ाई की है, और इसके बाद फाइनली या ज़बरदस्त हम पहुंच गए जी कटोरा लेक पे। कटोरा लेक की काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, और वाकई में सब लोगों ने सही तारीफ़ें की थी इसकी। एक तो ये झील बहुत बड़ी है और तकरीबन ये राउंड शेप में है, और इस तरह की राउंड शेप में इतनी बड़ी झील शायद होंगी लेकिन मैंने कभी नहीं देखी। बस 10-15 मिनट का और ब्रेक है यहाँ हमारा, और फिर हम वापस चलेंगे जहाज़ बांडा की तरफ। वापसी का रास्ता तो वही है, तो वो हम कवर नहीं करेंगे। तो इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि कुंड बांडा जाते हैं या फिर आगे कहीं जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।